हाँ जी, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, इसका नाम है गोइंग प्लेसेस। देखो इस कहानी में ना दो लड़कियां, एक सोफी और एक जेंसी, दोनों क्लासमेट्स हैं, एक ही क्लास में पढ़ती हैं और दोनों आज स्कूल से घर पे आ रही है। अब आपस में रास्ते में चलते हुए बात करती हैं। सोफी कहती है कि यार मैं ना एक बुटीक खोलना चाहती हूँ। जैसे कहती है, अरे यार बुटीक कैसे खोल लेगी तू, बुटीक के लिए तो पैसा चाहिए और पैसा तेरे पास है नहीं तो बुटीक नहीं खोल पाएगी तू। फिर वो कहती है चल मैं ना एक मैनेजर बन जाऊंगी। हाँ मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। यार मैनेजर कैसे बन जाएगी तू, और कोई तुझे एकदम से मैनेजर कैसे बना देगा। नहीं नहीं मैनेजर भी नहीं बन पाएगी तू। यार फिर मैं ना, हाँ मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। हाँ एक्ट्रेस, क्या बात कर रही है सोफी, एक्ट्रेस के लिए तो एक्टिंग आनी चाहिए। एक्टिंग आती है तुझे? नहीं आती ना, तो एक्ट्रेस भी नहीं बन पाएगी। यार तू ना मुझे हमेशा डिमोटिवेट करती है। एक्ट्रेस में पैसा है, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, फिर मैं बुटीक भी खोल लूंगी और मैं फिर मैं मैनेजर भी बन जाऊंगी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। यार देख तू सब कुछ कर सकती है माना, लेकिन तुझे पता है ना हम लोग बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, हम लोगों का ईयर मार्क बिस्किट फैक्ट्री है, तो तू ये सब फालतू की बातें मत सोच और तू बस इस पर ध्यान दे कि हमें बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है, इन सभी चीजों के लिए पैसा चाहिए और तेरे डैड कभी अलाउ नहीं करेंगे। इतना कह के ये दोनों जने अपने अपने घर निकल जाते हैं। देखो कहानी का वो स्टॉप करके बताया जाए, जो बड़े बड़े सपने देखने वाली लड़की है वो थी सोफी, और जो रियलिस्टिक जिंदगी जीने वाली है वो थी जेंसी। सोफी चाहती है कि मैं ये करूँ वो करूँ, और जेंसी से हमेशा डिमोटिवेट करती है कि नहीं कुछ मत कर, जो हमारा काम है जो हम कर सकते हैं हमें बस उतना ही सोचना चाहिए, फालतू की बातें हवाबाजी नहीं करनी चाहिए। कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब सोफी अपने घर पहुंचती है, और घर के कंडीशन बताऊं तो बहुत ही बेकार घर में रहते हैं लोग, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसके पास थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं, दारू पी के हमेशा पड़े रहते हैं वो, इसकी मम्मी जो है थोड़ी सी झुकी हुई है, कोबर निकला हुआ है उनका, बूढ़ी सी है वो भी। और जैसे ही घर में घुसती रहती है, घर में बिल्कुल सफोकेशन हो रखी है, मम्मी खाना बना रही हैं, पापा ये पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल अजीब लगता है कि हम कहाँ आ गई हैं। और ये कहते हुए वो अपने रूम में चले जाते हैं, अपने भाई को देखने जाते हैं कि उसका भाई कहाँ है। देखो उसका एक भाई भी है जिसका नाम है जॉफ, इसे 3 साल बड़ा है, बहुत ही शांत स्वभाव का बंदा है, और जॉफ जो है अपने रूम में किसी कोने में बैठा हुआ है एक मोटरसाइकिल के पार्ट को लेके। ये मोटरसाइकिल के पार्ट का काम करता है, मतलब शहर के दूसरी तरफ जाता है काम सीखने के लिए, अप्रेंटिस मोटर मैकेनिक है ये, तो वो अपने काम में लगा हुआ है। अब सोफी जाती है और बैठ जाती है उसको अपने रूम में, और अपने भाई को देख रही होती है। यार मेरा भाई क्या सोच रहा होगा, यार ये कितना कम बोलता है ना, काश मैं इसके मन की बात जान लेती, काश मेरे अंदर कोई ऐसी मशीन होती कि मैं इसके दिमाग में घुस जाती। कुछ तो बोल, कुछ तो कह, मेरा भाई एक अलग ही दुनिया में रहता है, इसकी दुनिया पता नहीं कौन सी होगी, किसी से कुछ नहीं बोलता, कोई बात नहीं करता, काश मैं भी उस दुनिया में जा पाती। यार इसे तो बाइक चलानी भी आती है, काश ये मुझे किसी दिन बाइक पे बैठाए, इसने ब्लैक कलर का कोट पहन रखा हो, मैंने येलो कलर की ड्रेस पहन रखी हो जिसमें ऊपर बैकलेस हो और वो चुन्नी जो है उड़ती हुई जा रही हो, काश ये भी मुझसे बात करे। अरे भैया तुझे पता है आज मैं ना डैनी कैसे से मिली, उसका भाई बिना मुड़े कहता है ठीक है। अरे भैया सच में मैं आज डैनी कैसे से मिली, उसका भाई मुड़ के कहता है कहाँ मिली, अरे ये है ना अपना रॉयसी विंडो, हाँ तो मैं यहीं पे विंडो शॉपिंग कर रही थी, आंखों आंखों में कपड़े खरीद रही थी, आंखों आंखों में कपड़े सेंस दूर दूर से देख के, तो मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी तो वहीं बगल में एक स्मार्ट सा हैंडसम सा बंदा आके खड़ा हो जाता है, मैं उससे कहती हूँ एक्सक्यूज मी कहीं आप डैनी कैसे तो नहीं, तो वो कहता है यस आई एम, उसका भाई चुपचाप सुन रहा होता है अच्छा ठीक है। अरे यार सच में भैया मैं मिली डैनी कैसे से, अच्छा डैनी कैसे से मिली, दिखने में कैसा है वो, ओ तुझे मालूम है वो दिखने में कैसा है, नहीं तू बता दिखने में कैसा है, सामने से दिखने में कैसा है वो, एज यूजुअल बहुत स्मार्ट है, हरी हरी आंखें हैं, घुंघराले बाल हैं, येलो कलर के बाल हैं, और बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही चमकीला इंसान है वो, बहुत शाइन मारता है, अच्छा ठीक। अरे नहीं भैया सच में मिली, मैं तो ये यकीन नहीं मानता, और वो ना इतना लंबा भी नहीं है जितना लंबा तू सोचता है, छोटा सा है गिट्ठा सा, लेकिन फिर भी है स्मार्ट, अच्छा ठीक। अरे भाई सच में मैं मिली, और सुन पापा को मत बताइयो,
अब सोफी जो है मना करती है पापा को ना बताने से, क्योंकि उसको मालूम है कि घर वालों को पता होते हैं हमारे औकात कितने पानी में हम, तो पापा को मैं बताइए। वो जॉफ कहता है ठीक है। थोड़ी देर बाद पापा उसके बिस्तर में बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। वो जाता है, जॉफ कहता है पापा आपने सुना वो क्या कह रही है कि वो एक डैनी कैसे से मिली ये वो। अब उसके फादर गुस्सा करते हैं, उसे बुलाते करा क्या सुन रहा हूँ मैं ये, कहते हैं हाँ मैं डैनी कैसे से मिली थी, कहाँ मिली थी तू, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो उसके बाद उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं यार तू जो ये अनरियलिस्टिक बातें करती है ना लेकिन बहुत पछताएगी। थोड़ी देर बाद सोफी दोबारा अपने भाई से मिलती है, कहती है यार तुम्हें क्यों बता दिया कि मैं डैनी कैसे से मिली थी। जॉफ कहता है कि ना फालतू की बातें हैं, तू डैनी कैसे कहीं नहीं मिली। अरे मिली थी, जॉफ कहता है अच्छा तो मिली थी, तूने ऑटोग्राफ क्यों नहीं लिया। ऑटोग्राफ मैं ले लेती ऑटोग्राफ, पर क्या था ना वहां पे कोई पेपर और पेन नहीं था इसलिए मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाई, लेकिन हाँ उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे शनिवार को मिलेगा ऑटोग्राफ देने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, मतलब यहाँ का सबसे फेमस फुटबॉल प्लेयर डैनी कैसी तुझसे शनिवार को मिलने वाला है ऑटोग्राफ देने के लिए, और मैं इसे सच मान लूँ। सच में भैया चाहे मान या मत मान, पर वो डैनी कैसी मुझसे मिलने वाला है शनिवार को ऑटोग्राफ देने के लिए। अब देखो कहानी को स्टॉप करते हुए, ये कहानी कहना क्या रही है, क्या कहना क्या चाह रही है, एक फनी कहानी नहीं है। ये कहानी दरअसल उन लोगों के ऊपर है जो ड्रीम खुली आंखों से सपने देखते हैं। देखो सपने देखना बुरा नहीं है, पर सपने ऐसे देखने चाहिए जो सच हो सके, या उन सपनों के ऊपर काम करना चाहिए। ये लड़की हवाबाजी के सपने देख रही है जो कभी पूरे नहीं होने वाले, ये कहानी वही बात करती है। अब कहानी में आगे, अब देखो उसने अपने मन में एक बात बैठा ली है कि वो सैटरडे को डैनी कैसी से मिलने वाली है, या यूं कहा जाए कि सैटरडे को डैनी कैसी द फेमस फुटबॉल प्लेयर सोफी से मिलने वाला है ऑटोग्राफ के लिए। ये बात वो अपने मन में दिमाग में बैठा लेती है। अब क्या होता है कि वो आज सपोज करे आज वेडनेसडे, तो वो डेली सोच रही है उसके बारे में कि वो मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलूंगी मैं उससे। हाँ मैं उससे वहाँ मिलूंगी जहाँ मैं बचपन में खेला करती थी, वो जगह जो लेक के पास है, वहाँ पे पेड़ हैं, बेंचेस हैं, खाली जगह है, शहर की कोई आवाज़ नहीं आती। हाँ परफेक्ट प्लेस है, परफेक्ट प्लेस। कई बार कपल आया करते थे वहीं पे बचपन में, तो हाँ मैं वहीं जाया करूँगी, वहीं मिलूँगी मैं, तो हाँ मैं वहीं मिलूँगी। अब वो ये सोच लेती है लेकिन मैं पहनूंगी क्या, अरे उसने कहा था ना कि तो पिंक पहन के आई हो, मैं ब्लैक में आऊँगा, वो भी ये सोच लेती है। ठीक है डन, दिन बीतते हैं, सैटरडे आ जाता है। अब सैटरडे आता है तो वो उसी जगह जहाँ पे वो सोचती है कि मुझे डैनी कैसे से मिलना है, वो वहीं जाके बैठ जाती है। 4:30 बजे, 5 बजे आने वाला है वो। स्टार लोग है ना भाई, थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाना चाहिए, मान ले हम लेट हो जाए तो वो गुस्सा करेगा। 4:30 बजे बैठ जाती है, इंतजार करती है, आएगा आएगा जरूर आएगा। 15 बजे, अरे अभी 15 बजे है ना, आएगा पक्का आएगा, मुझसे मिलने नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। 5 बजे आने वाला होगा, यार आया नहीं, आएगा पक्का आएगा यार, अभी तक नहीं आया। 5:10 हो गए, 15 मिनट हो गए। अब वो अपने आप से पूछती है यार डैनी कैसे क्यों नहीं आया। तो अब जब वो अपने आप से पहली बार पूछती है तो पहली बार उसे आंसर मिलता है, मिला ही कब था डैनी कैसे, तो उससे मिला ही कब था, तुमने तो अपने भाई को ऐसे ही कहानी बता दी थी ना। वो कहती है हाँ यार वो तो मिला ही नहीं मुझसे। अब वो जहाँ वो बैठी थी वहां उसे बैठना भारी लग रहा था। वो कहती है यार मैं तो खुली आंखों से अपने देख रही थी। वो उठती है वहां से और चली जाती है घर की तरफ, और रास्ते में सोचती है वही बातें जो वो पहले रिपीट करती है। क्या क्या कहीं तुम डैनी कैसे तो नहीं, डैनी कैसे ऐसा आया ऐसा आया, वो इतना लंबा भी नहीं है, इतना लंबा मैं सोचती हूँ यार वो आएगा सैटरडे को मिलेगा, ऐसे वैसे सब सोचती है, लेकिन सब लेकिन वेस्ट, वो नहीं आया। यही थी कहानी गोइंग प्लेसेस।